Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel, NG Medicals. So here we are going to see the cardiac blood circulation, or we can say that the heart circulation. So in this, we will see how the blood is circulate all over the heart and then in the body. So as we all know that heart is having the four chambers, with its four chambers also having the four walls, which can open and allow the blood to travel to the next chamber. So first of all, we should know ki heart ki jo blood hai wo kahan se aa raha hai heart ke andar. So hame pata hona chahiye ki superior vena cava and inferior vena cava do tarah ki vessels hoti hain. They are the broad vessels, bahut chaudi vessels hoti hain jo ki gush karke blood ko allow karti hain heart ke andar enter karne ke liye. तो वेना केवा है क्या, यहाँ पे हम देख सकते हैं कंप्लीट लोअर बॉडी से जितना भी ब्लड रिटर्न आता है, ठीक है, वो हमारे लोअर यानी कि इंफीरियर वेना केवा से आता है. और जो अपर हमारा ब्लड है, आप देख सकते हो ये जितना भी आपको अपर पोर्शन से ब्लड आता हुआ दिख रहा है, ये रिटर्न होता हुआ दिख रहा है, ये हमारा सुपीरियर वेना केवा में एट लास्ट एंटर होता है. ठीक, तो ये रहा हमारा इंफीरियर वेना केवा और ये रहा हमारा सुपीरियर वेना केवा. ठीक है, यहाँ से सुपीरियर वेना केवा एंटर हो रहा है, ये वाला इसमें प्रॉपर शो नहीं किया है पर यहाँ पे देख लीजिए. ठीक, तो जितना भी लोअर ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड क्या होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन कम होता है, पुअर ऑक्सीजन होता है. ठीक है, दोनों तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है. देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ये देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यानी कि पुअर ऑक्सीजन ब्लड आ रहा है. कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम द सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से आ रहा है. मैं आपको पहले बता चुकी हूँ सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से आ रहा है. ठीक है, मैंने आपको दिखा भी दिया सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा का कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है. देन आएगा तो सिंपल सी चीज है, कहाँ पे आएगा, मैंने आपको बोला चार चैम्बर्स होते हैं. इससे पहले वाली लेक्चर में भी मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ. सबसे पहले आएगा हमारे राइट आर्ट्रियम में, ये हमारा राइट आर्ट्रियम है और ये हमारा राइट वेंटिकल है. अगर मैं उस साइड फेस करके खड़ी हो जाऊं तो ये मेरी राइट साइड होगी और ये मेरी लेफ्ट साइड होगी. राइट, उसी तरह से हार्ट जिस हिसाब से है, ये वाला राइट आर्ट्रियम हो गया, ये वाला लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया. तो सबसे पहले ब्लड इम्प्योर ब्लड कहाँ आया, राइट आर्ट्रियम में आया. राइट आर्ट्रियम से उसने एक वॉल को खोला, ये देखिए आप खुलती हुई दिख रही ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दो फिंगर ज्वाइंट ऐसे दिख रहा है, ये है कार्डियक की वॉल, फर्स्ट वॉल, जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल. ठीक है, जब ब्लड आया उसने ट्राइकस्पिड वॉल्व को खोला. ट्राइकस्पिड वॉल्व को खोलने के बाद, ओपन करने के बाद, वो कहाँ चला गया, राइट वेंटिकल में चला गया. वेंटिकल ये देखिए हमारा लोअर पोर्शन वेंटिकल है. राइट वेंटिकल को में जाने के बाद अब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारा पल्मोनरी वॉल्व में. ठीक है, तो पल्मोनरी मीन्स होता है लंग्स, है ना, उसको मेडिकल उसमें वर्ड में लंग्स बोलते हैं, सॉरी पल्मोनरी बोलते हैं लंग्स को. ठीक है, तो अब कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा. क्यों, लंग्स हमारे क्या करते हैं, ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड बनाएंगे, मतलब ब्लड को प्यूरिफाई करेंगे, CO2 सारा बाहर निकाल देंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, एंड ऑक्सीजन जो भी हम लोग इनहेल कर रहे हैं वो सारा ब्लड से मिक्स करके हमारे हार्ट को वापस रिटर्न कर देंगे. ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा जो कि हमारे ऊपर और नीचे दोनों पूरी बॉडी से कनेक्टेड थे, वो डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड लाए और राइट एट्रियम में छोड़ दिया. ठीक है, राइट एट्रियम में एंटर होने के बाद ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल गई और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड चला गया. लेफ्ट एट्रियम में जाने के बाद अब यहाँ पर भी एक वॉल है. ठीक है, तो ये कौन सी वॉल है, पल्मोनरी में जा रही है, तो पल्मोनरी वॉल हो गई. पल्मोनरी वॉल ओपन हुई और ब्लड कहाँ चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में. ये देखिए पल्मोनरी आर्टरी है. अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये कंटिन्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ये वाला खोला. पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ चला गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन में, यानी कि हमारे लंग्स के अंदर चला गया. ठीक, तो लंग्स के अंदर जाने के बाद क्या हुआ, लंग्स ने उनको प्यूरिफाई किया. ये देखिए रेड वाला जितना भी है वो प्यूरिफाइड है, लंग्स ने हमारा उनको प्यूरिफाई किया. प्यूरिफाई करने के बाद अब वो भाई हार्ट में रिटर्न होगा क्योंकि उसने उसको ऑक्सीजनेटेड बना दिया है. ठीक है, तो कम्स फ्रॉम द पल्मोनरी वेन. अब अगर पल्मोनरी आर्टरी से ही रिटर्न आएगा तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स हो जाएगा, इसलिए इनके पास स्पेशल वेन्स होती है. ये देखिए पल्मोनरी वेन जो हमारा लंग्स फिल्टर करते हैं, हमारे जो लंग्स ब्लड को फिल्टर करते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाते हैं, वो रिटर्न कहाँ से आता है, पल्मोनरी वेन से रिटर्न आता है. ठीक है, ये है पल्मोनरी वेन, अगर आप यहाँ पे देखो तो पल्मोनरी वेन ये है.
पल्मोनरी वेन से रिटर्न होने के बाद हमारा ब्लड किसमें आएगा? सिंपल सी चीज है, ये पल्मोनरी वेन आपको कहाँ अटैच मिल रही है? लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड आया। अब यहाँ पर भी एक वॉल है जिसको हमने बाइकस्पिड वॉल बोल दिया है। देखिए इस साइड ट्राइकस्पिड वॉल और नेक्स्ट साइड बाइकस्पिड वॉल, इसको अदर नेम से भी हम जानते हैं, दैट इज न्यूट्रल वॉल। ठीक है, तो बाइकस्पिड ज्यादा इजी है तो वो लर्न करके रखिए। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल में ओपन करने के बाद ये कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद अब ये कहाँ जाएगा? देखिए एरो दिखा रहा है, ये है हमारा एओर्टिक वॉल। ये देखिए आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये एओर्टिक वॉल है। ठीक है, एओर्टिक वॉल को क्रॉस करते हुए एओर्टा में जाएगा और एओर्टा के पास बहुत सारे पाइपलाइन स्ट्रक्चर हैं जो कि हमारे सिस्टम में सर्कुलेशन कराते हैं, यानी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्डियक सर्कुलेशन। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो शॉर्ट में मैंने डाला हुआ है, यू कैन सी दैट कि सबसे पहले क्या हुआ था, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा से हमारा ब्लड आया था। कहाँ आया था? राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम में हमारी होती है ट्राइकस्पिड वॉल। अच्छा, ये वॉल क्यों होती है? जिससे कि ब्लड बैकफ्लो ना हो जाए। मतलब अगर वो राइट एट्रियम से राइट वेंटिकल में गया है तो फिर से वो राइट वेंटिकल से वापस बैकफ्लो राइट एट्रियम में ना चला जाए। इसी वजह से ये वॉल होती है, क्लोज हो जाती है जैसे ही नेक्स्ट चैम्बर में ब्लड आता है। ठीक है, तो राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल को खोल के ओपन करके गया वो राइट वेंटिकल में। राइट वेंटिकल से वो कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। तो पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंटिकल के बीच में एक वॉल है, दैट इज पल्मोनरी वॉल। पल्मोनरी वॉल को क्रॉस करके पल्मोनरी आर्टरी में गया। पल्मोनरी आर्टरी को क्रॉस करके वो सीधे, भाई पल्मोनरी आर्टरी यानी पल्मोनरी मींस होता है लंग्स, लंग्स की आर्टरी में गया तो उसका मतलब लंग्स में जाएगा। देन लंग्स में जाने के बाद वो कहाँ गया? पल्मोनरी वेन में गया। पल्मोनरी वेन किससे डायरेक्ट अटैच है? लेफ्ट आर्ट्रियम से अटैच है। और लेफ्ट आर्ट्रियम में आने के बाद अनदर वॉल खुलेगी, दैट इज बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड वॉल खोलने के बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, देन एओर्टा में जाएगा। एओर्टिक वॉल को खोल के एओर्टा में जाएगा और पूरे बॉडी में सर्कुलेशन हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्डिक सर्कुलेशन। सो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। अगर रिवाइज कराना है तो सिंपली रिवाइज करा देती हूँ सिर्फ स्ट्रक्चर से, ताकि आपको एक बार फिर से लग जाए। देखिए सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, ये दोनों पूरी बॉडी से अटैच थी। ठीक है, तो जितना भी पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से एंटर होगा। एंटर होने के बाद ये डायरेक्ट अटैच किसमें है? राइट एट्रियम में अटैच है। ब्लड आएगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में आने के बाद इनके पास एक वॉल होती है जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं, जिसके थ्रू, जिसकी ओपनिंग के थ्रू वो राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। ठीक, तो राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद अब उसके पास कोई भी स्पेस नहीं बचा है क्योंकि ये वॉल हो गई क्लोज। ठीक है, तो उसके पास अब एक कोई भी स्पेस नहीं बचा है, गश करके ब्लड आएगा तो कहाँ पे जाएगा? वो कहाँ पे जाएगा? वो जाएगा हमारी पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी हो गई। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी में जाने से पहले ये पल्मोनरी वॉल को ओपन करेगा। ओपन करने के बाद पल्मोनरी आर्टरी में गया। पल्मोनरी आर्टरी में जाने के बाद ये डायरेक्टली लंग्स से अटैच होती है हमारे, ये लंग्स से अटैच हो गई, लंग्स में चला गया। लंग्स ने उस ब्लड को प्यूरिफाई किया, ऑक्सीजन रिच किया। ऑक्सीजन रिच करने के बाद लंग्स ने उसको दूसरे रास्ते से भेजा जिससे कि ब्लड मिक्स ना हो जाए। उसने कहाँ से भेजा? पल्मोनरी वेन से भेजा। अब पल्मोनरी वेन जो है वो डायरेक्टली किससे अटैच्ड है? हमारी लेफ्ट आर्ट्रियम से अटैच्ड है। लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड आने के बाद उसने एक और वॉल को खोला जिसका नाम है बाइकस्पिड वॉल। ठीक है, ट्राइकस्पिड की भाई। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल ने ओपन हुई और ब्लड सारा गश करके कहाँ चला गया? हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वो था हमारा एओर्टा। ठीक है, ये एओर्टा से अटैच्ड है। तो एओर्टा वॉल को खोलने के बाद एओर्टा में गया और एओर्टा पर जितने भी पाइप थे वो हमारे सारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन यानी पूरी बॉडी के सर्कुलेशन से डायरेक्ट अटैच्ड है। यहाँ पे ब्लड आया और ब्लड हमारे हर सिस्टम में चला गया, जैसे हमारी किडनी हो गई, हमारा कह सकते हैं स्टमक हो गया, लीवर हो गया, है ना, लंग्स हो गए। ठीक है, हर स्प्लीन हो गया, हर जगह चला गया और हमें पूरी बॉडी में ऑक्सीजन मिल गया। अच्छा, एक और चीज, जो कोरोनरी आर्टरी है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वो कोरोनरी आर्टरी क्या करती है? लेफ्ट और राइट दोनों साइड कोरोनरी आर्टरी होती है हार्ट के पास। ठीक है, वो क्या करती है? उसके पास भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो हमारे हार्ट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि हमारे हार्ट को फूड चाहिए ना, दिल धड़कने के लिए कुछ तो खाना तो चाहिए ना, तो हार्ट बीट के लिए हमारे हार्ट को भी फूड चाहिए। तो वो फूड कौन दे रहा है? कोरोनरी आर्टरी के लिए। तो कोरोनरी आर्टरी क्या कर रही है? हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन दे रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रही है, जिससे कि हमारा हार्ट प्रॉपर पंप करता रहे। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्डियक सर्कुलेशन। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड चैनल मेरा शेयर कीजिए, सबको वीडियो शेयर कीजिए
जिससे कि और लोगों को भी इजी नोट्स मिल जाए। बाय बाय, टेक केयर।